सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं TVS की आपको एक बाइक दिखाने वाला हूँ। आपके सामने खड़ी है TVS रेडर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है आपका, जिसका नाम है मोटो बीज। होप तो आप सब बढ़िया होंगे। तो TVS रेडर लेके आ गए हूँ मैं आज की वीडियो में, और इस वीडियो में TVS रेडर के बारे में हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि अब इसके प्राइस 15,000 रुपये कट ऑफ हो गए हैं, और क्या क्या इस बाइक में चेंज हुआ है ना वो इस वीडियो में बात करेंगे। कौन कौन से कलर आते हैं, क्या इसका प्राइस होगा, और कितनी डाउन पेमेंट देके कितनी आपकी EMI बन जाएगी, वो सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले फ्रंट से बात कर लेते हैं। फ्रंट से आपको देखते ही पता लग जाता है कि ये TVS की रेडर है, क्योंकि जो इसकी ये DRL है ना वो इसको अलग ही पहचान देती है और पता लग जाता है कि TVS की रेडर आ रही है। इस तरीके से आपको इसकी LED DRL दिख जाएगी, और हेडलाइट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से काम कर लेगी, पूरी LED आपको हेडलाइट देखने को मिल जाएगी। इस बाइक में 15,000 रुपये किस चीज़ के कम हुए हैं आप देख सकते हैं। फ्रंट में यहाँ पे आपको ना ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगी, 130 mm की ड्रम ब्रेक आ गई है इस बाइक में, क्योंकि पहले ये बाइक सिर्फ और सिर्फ डिस्क के साथ आया करती थी। तो इसका प्राइस जो है ना 1,15,000-16,000 रुपये के आसपास हुआ करता था। अब इसका बाइक का प्राइस ना जो 15,000 रुपये कम हो गया है, और क्या क्या इस बाइक में चेंज हुआ है ना वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरफ देख सकते हैं आपको ड्रम ब्रेक के साथ साथ कॉम्बी ब्रेक सिस्टम भी देखने को मिलेगा। जब भी आप पीछे का ब्रेक मारा करेंगे तो उसके साथ ना आगे का ब्रेक भी 20% लगेगा, जिससे क्या है एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है। टायर सेक्शन आपको 80 सेक्शन का टायर मिल जाएगा, 17 इंचज़ का ट्यूबलेस अलॉय व्हील आते हैं इसमें ब्लैक कलर के, और ये बाइक दो कलर में आते हैं, एक रेड और ब्लैक कलर की। ये ब्लैक कलर में दिखा रहा हूँ आपको, रेड कलर भी दिखा दूंगा। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे, साइड से कुछ इसकी ऐसी लुक है। इस तरफ यहाँ पे कोई भी आपको रिफ्लेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपको DRL के साथ हेडलाइट मिल जाएगी, LED फेडर आपके कुछ इस तरीके से आएंगे हेलोजन, और इस बाइक में अभी हैजर्ड नहीं आता। इस तरीके के सिल्वर लीवर मिल जाएंगे आपको, इंडिकेटर मैंने आपको हेलोजन दिखा दिए। अब मैं आपको इसका मीटर दिखा देता हूँ, फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाएगा आपको, कलर्ड वाला। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी, ये आपका आरपीएम मीटर होगा। साइड स्टैंड का यहाँ पे आपको वार्निंग देखने को मिल जाएगी, ये आपका टाइम हो गया। गियर शिफ्ट इंडिकेटर में मिल जाएगा आपको, रेंज देखने को मिल जाएगी, ये आपका स्पीडोमीटर हो गया, ये आपका ओडोमीटर हो गया, इधर आपका फ्यूल दिखाएगा। बाकी कुछ इस तरीके से आपका मीटर आता है, पर ऑन करता हूँ ये देखिए। बाकी ये वार्निंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। मोड वाले बटन से आप अपने मीटर की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, ट्रिप 1 ट्रिप 2 रेंज या फिर एवरेज, जो भी आपको देखना है ना वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इससे सेट कर सकते हैं आपकी जो ट्रिप 1 ट्रिप 2 वगैरह को आप अगर जीरो करना चाहते हैं तो इसको जीरो कर सकते हैं इसे दबा के रखने से। इधर यहाँ पे TVS की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, इसमें भी लाइट जल्दी है, तो मीटर आपको कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ आपकी की लगेगी, हैंडल की लुक ऐसी है, बटन आपको कुछ ऐसे देखने को मिल जाएंगे, हेडलाइट का लो बीम हाई बीम, इधर पास का बटन, ये इंडिकेटर और ये हॉर्न का बटन। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से ही इको और पावर मोड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप अपनी बाइक को है ना इको और पावर मोड में लगा सकते हो। अगर बाई चांस आप भगा रहे हो, आपको हाईवे पे हो, तो पावर मोड वगैरह लगा सकते हो। बाकी सिटी में आप इको पे चलाओगे तो बाइक जो है माइलेज भी अच्छा देगी। इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा, अगर आप अपना यहाँ पे मोबाइल माउंट करते हैं या फिर जेब पॉकेट में भी रख के यहाँ पे अपना डाटा केबल लगा के अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। तो टैंक आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, 10 लीटर का टैंक है प्लास्टिक बॉडी के साथ। साइड में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लुक है, और इधर देखिए TVS का घोड़ा यहाँ पे बना हुआ दिख जाएगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी प्रीमियम लगती है। और इस तरफ देखिए सिल्वर कलर की यहाँ पे वो इंटेलिगो की यहाँ पे बैजिंग दे दी गई है। तो 10 लीटर का टैंक होने वाला है, 69+ कंपनी क्लेम करती है माइलेज मिल जाएगी आपको, और जो कस्टमर बताते हैं 60+ माइलेज पक्का मिलती है आपको। मैं ऊपर से आपको टैंक दिखा देता हूँ, टैंक आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लास्टिक कलर की टाई लगी हुई है और मैश फिनिशिंग है, ताकि आप बैठें तो स्क्रैच वगैरह ना लगे इस तरफ से, और लुक भी काफ़ी अच्छी निकाल के देता है ये। दूसरा बड़ा चेंज मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आप सिंगल सीट देखने को मिल जाएगी, ये जो कि देखने में काफ़ी लंबी लगती है, और ये प्रैक्टिकल रहती है स्प्लिट सीट के मुकाबले। आप देख सकते हैं कि अगर इस पर आप ना दो हस्बैंड वाइफ या फिर दो जने बैठने के साथ एक बच्चा भी बैठाना चाहते हैं तो इस पर ईजिली बैठा सकते हैं, स्प्लिट सीट पर वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। साइड वाला पैनल कुछ ऐसे लुक में देखने को मिल जाएगा, टैंक से एक लाइन आ रही है और ये सिंगल पार्ट है पूरा का पूरा। यहाँ पर थोड़ा सा मैश का स्टीकर है, यहाँ पर राइडर की बैजिंग है, और ये मैट ब्लैक कलर का है। तो हम इंजन की बात कर लेते हैं, इंजन आपको वही पुराना 124.5 cc का एयर कूल इंजन देखने को मिल जाएगा, 4 स्ट्रोक, जो कि BS6 कंप्लाइंट के साथ आता है, और E20 पेट्रोल डलवा के आप इसको चला सकते हैं। बाकी रेडर में अभी भी आपको किक नहीं मिलेगी, सिर्फ सेल्फ का यूज़ करना पड़ेगा, और किल स्विच बटन नहीं मिलता आपको, यहाँ पर इको और पावर का बटन मिलता है। इधर से बाइक की लुक कुछ ऐसी मिलेगी आपको, क्रैश गार्ड लग के मिलेगा, कैटलेटिक कन्वर्टर हो गया। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडर बेली कवर देखने को मिल जाएगा प्लास्टिक का है, जो कि इधर यहाँ पे इंजन के ऊपर भी आपको प्लास्टिक की कवरिंग देखने को मिल जाएगी, जिस पर TVS की बैजिंग है, जो कि थोड़ा सा फिट एंड फिनिश में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरफ देख सकते हैं एग्जॉस्ट आपका पीछे की तरफ जाते हुए, तो इसका मैं साउंड सुना देता हूँ एक बार। तो इस बाइक की सेफ्टी फीचर को बताता हूँ, जब तक आप स्टैंड नहीं हटाएंगे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, और बाइक स्टार्ट करने के बाद मैं साउंड सुना देता हूँ। बाइक मेरे यहाँ कॉलर पर लगा हुआ है, बाइक बिल्कुल साइलेंट स्टार्ट होती है, उसके बाद इंजन का साउंड कुछ ऐसा है जैसे कि TVS की बाइकों में थंप आता है। तो
तो ये TVS Raider के एग्जॉस्ट का साउंड था, काफ़ी थक भी था जैसे कि TVS की बाइकों में आता है। तो हम ये देख लेते हैं, ये आपका ब्रेक पैडल हो गया, ये आपका राइडर का पैडल हो गया जो कि फोल्ड हो सकता है। पीछे आपको एल्यूमिनियम का पैडल देखने को मिल जाएगा पिनियन का, यहाँ पे सेफ्टी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे कवर कर दिया गया है। पीछे वाला पैनल ग्रे कलर का मिलेगा आपको कुछ इस तरीके से, और ये देखिए आप ग्रैब रेल आपको एक पीस में मिलेगा जो कि सेफ्टी के हिसाब से ज़्यादा अच्छा होता है। ये सिल्वर कलर का है, डार्क ग्रे बोल सकते हैं इसको। पीछे का टायर आपको कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, ड्रम ब्रेक मिलेंगी आपको देखने को, 100 सेक्शन का टायर है और 17 इंच के अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे आपको। लाइटें आपको पता ही है TVS Raider की टी शेप टाइप की आती है LED, यहाँ पे LED लाइट देखने को मिल जाएगी, हेलोजन इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे और नंबर प्लेट का पार्ट है जो आपका कुछ इस तरीके से होगा यहाँ तक। इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी गार्ड भी देखने को मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे लेडीज फुटरेस्ट भी है। पिलियन का मैंने फुटरेस्ट आपको दिखाई दिया था, चेन का हाफ कवर है कुछ इस तरीके से, नीचे से चेन अनकवर है और इधर भी इंजन पे TVS की बैजिंग है, साइड वाले पैनल पे रेडर की बैजिंग है। बाकी इस बाइक में आपको 5 गियर देखने को मिल जाएंगे, मेरी हाइट 5 फीट 8 इंचेस 9 इंचेस है, आप देख सकते हैं मेरे दोनों पैर बिल्कुल पूरे पूरे आराम से नीचे टिके हुए हैं। अगर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंचेस भी है तो इस बाइक को बहुत आराम से चला लोगे और काफ़ी हल्की है, मतलब एक तरह से ना मनोबल करने में काफ़ी ईजी है। 123 kg का ओवरऑल वेट होने वाला है इस बाइक का, 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस होने वाली है जो कि काफ़ी अच्छी रहने वाली है और 780 mm की यहाँ पे सीट हाइट होने वाली है। सिंगल सीट में ना बैठने के लिए आपको काफ़ी जगह मिल जाती है। सो ये तो बाइक की सारी नॉलेज, और अब हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। इसका प्राइस जो है ना दिल्ली में यहाँ पे ऑन रोड प्राइस आपका 1,03,425 रुपये होने वाला है, क्योंकि जो पहले वाली जो डिस्क वाली बाइक आया करते थे वो 1,17,000 रुपये 1,16,000 रुपये के आसपास आया करती है। स्प्लिट सीट और सिंगल सीट का ना थोड़ा सा उसका 1,000-1,500 रुपये का फर्क हुआ करता है। एक तरह से आप इसको डम ब्रेक वाला मॉडल बोल सकते हो या फिर आप इसको बेस मॉडल बोल सकते हो, तो जो आपको कहना वो कह सकते हैं, लेकिन है ना यार 15,000 रुपये कम होना ना काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ बाइक को नहीं भगाते तो ड्रम ब्रेक भी अच्छा खासा काम कर देती है और कॉम्बी ब्रेक मिल ही जाते हैं आपको, जिससे कि एक्सीडेंट के खतरे भी कम हो जाते हैं। तो 1,03,425 रुपये में ये 125 cc की बाइक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मिलते हैं किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।